बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू 30, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 126। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, हमें एक फार्मूले का पता है, वो फार्मूला क्या है कि ए प्लस बी होल क्यूब वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, 126 के। ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी किसके बराबर है, 30 के। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इनकी जगह लिख देंगे 126 प्लस और इनकी जगह 30 को। तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 126 इनसे प्लस 90। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू इनसे 216। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इनकी जगह लिख देंगे 6 क्यूब। फिर दोनों तरफ क्यूब क्यूब है तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ही उनको ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ ए प्लस बी किसके बराबर है, 6 के। तो यहाँ जाएगा 6 ए बी इज इक्वल टू 30। फिर दोनों साइड को 6 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 5 30। तो यहाँ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 5। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को ए पर डिवाइड करेंगे, इसको भी ए पर डिवाइड करेंगे, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा बी इज इक्वल टू 5 ओवर ए और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, बी की जगह 5 ओवर ए को लिख देंगे, यहाँ ए प्लस बी की जगह 5 ओवर ए इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा ए, यहाँ ए स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, ए को इधर लाएंगे, यहाँ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 6 ए। फिर क्या करेंगे, 6 ए को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 6 ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ ए स्क्वेयर, इनको लिख देंगे माइनस 5 ए माइनस 1 ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे दोबारा माइनस 6 आता है, इनसे ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए माइनस 5 और इनसे माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
ए माइनस फाइव ए माइनस फाइव, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा ए माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस फाइव नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे तो ए इज इक्वल टू फाइव, ए की पहली वैल्यू फाइव आ गई। माइनस वन को इस साइड पर लाएंगे तो ए की दूसरी वैल्यू आ गई वन। अब बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उनके लिए इक्वेशन नंबर फोर को ले लेंगे, वो क्या है बी इज इक्वल टू फाइव ओवर ए। तो यहाँ ए की जगह ए की पहली वैल्यू को फुट करेंगे, वो है फाइव, तो यहाँ फाइव फुट करेंगे तो बी की पहली वैल्यू आ जाएगी, फाइव फाइव के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ जाएगा वन। अब क्या करेंगे, बी की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन फोर को दोबारा ले लेंगे, और यहाँ ए की जगह ए की दूसरी वैल्यू को यानी वन को फुट करेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू फाइव, बी की वैल्यू आ गई फाइव। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अगर ए हमारे पास फाइव के बराबर है तो बी वन के बराबर होगा, इसी तरह अगर ए वन के बराबर है तो बी फाइव के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।